हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10 CBSE का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टॉपिक वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊंगा और आपको इजी बना के दे दूंगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 11th 12th में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। सो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के तरफ और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले तो जान लेते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हमारे 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड हो चुका है। दैट इज फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फोर्थ है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो ये 4 सब टॉपिक्स में हमारा टॉपिक डिवाइड हो चुका है। चलो इसे देखते हैं हम वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक के लिए वो हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमें एक चीज हमेशा याद रखना है, दैट इज जो ट्रायंगल हम यूज करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, वो हमेशा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होने वाला है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला ABC, और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो इसके अंदर हमारे यूज होने वाला है, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। होपफुली ये सबको पता होगा, ये हमारे प्रीवियस क्लास में हो चुका है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये एक बार मैं बता देता हूं, वो है दैट इज हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ये टॉपिक में काफी यूज होने वाला है। तो हाइपोटेनस साइड कौन से, एडजेसेंट साइड कौन से, बेस साइड कौन से, ये तो आपको पता होगा, तभी एक बार बता देता हूं। सो जो 90 डिग्री होता है ट्रायंगल का, उसके अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा हमारी हाइपोटेनस साइड होती है। ओके, और जो रिमेनिंग 2 साइड होते हैं वो हमारी एक एडजेसेंट और एक बेस बन जाती है। बेस साइड और एडजेसेंट साइड कभी फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है, वो वैरी करती है हमारे एंगल्स के अकॉर्डिंगली। अगर हम ए एंगल कंसिडर करेंगे तो ए के लिए बेस AB हो जाएगा, और सॉरी बी से भी हो जाएंगे और बी से एडजेसेंट हो जाएंगे उस तरीके से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमें कुछ रेशियोज दिए जाएंगे, उन रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की कोई एक अननोन साइड हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितने हैं 6। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। ओके, क्लियर विद दिस। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। और जो हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये 3 रेशियो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के जो 3 रेशियो है, मतलब जैसे मैंने 6 रेशियो बताया था, तो आगे के 3 रेशियो इन 3 रेशियो के ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, जैसे साइन थीटा के ऊपर हमारा डिपेंड है दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन के ऊपर कैसे डिपेंड है, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर अपोजिट बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा का उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, और एल्स उसका अपोजिट बन जाएगा। जैसे अपोजिट बाय हाइपोटेनस है तो इसका बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा अगर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है, सेक थीटा बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा कॉट थीटा, मतलब टैन थीटा अगर अपोजिट बाय एडजेसेंट है तो कॉट थीटा बन जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, ये 6 रेशियो सबको क्लियर हो गए। ओके, अब ये 6 रेशियो काफी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना भी काफी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें यूज होने वाला है। अगर किसी को डायरेक्टली याद नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक काफी आपको यूजफुल होंगी एग्जाम में याद रखने के लिए। तो शॉर्टकट सिंपल है, दैट इज OAO अपॉन HHA। ये हमारी जो फर्स्ट शॉर्टकट ट्रिक है वो हमारे फर्स्ट 3 रेशियो के लिए है, जैसे OAO अपॉन HHA, जिसमें ओ हमारा अपोजिट साइड के लिए स्टैंड होता है, एच हमारा हाइपोटेनस के लिए साइड होता है स्टैंड करता है, ए हमारा एडजेसेंट साइड के लिए,
एंड सिमिलर वैसे बाकी है। सो फर्स्ट रेशियो क्या हमारा ओ बाय एच, ओ बाय एच मीन्स अपोजिट का हाइपोटेन्यूज, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का। सेकेंड रेशियो क्या है ए बाय एच मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का। और थर्ड रेशियो क्या है अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज टैन थीटा। तो इस तरीके से हम ये तीन रेशियो याद कर लेंगे या शॉर्टकट में याद रखेंगे। सिमिलरली इसके लिए भी वो इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज ये ओ ए ओ अपॉन एच एच ए है, तो ये बन जाएगा एच एच ए अपॉन ओ ए ओ। सो इस तरीके से सिंपल हम ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे और इसे हम अप्लाई करेंगे। यहां तक सबको सब समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो भी आता ही आता है, मतलब ये रेशियोज के ऊपर जनरली। ओके, तो इसके कुछ हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये समझ में आ रहेगा, बस कंटिन्यू रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।